सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बेस शिक्षा परिषद सचिव महोदय का आदेश जारी हुआ है जो गर्मियों की छुट्टी को लेकर के है। 19 मई से होंगी या 20 मई से स्कूल बंद। शिक्षकों के मन में तमाम तरह के कन्फ्यूजन्स हैं कि आखिर 19 से बंद होंगे या 20 से। ये संपूर्ण जानकारी आपको आदेश के साथ इस वीडियो पर बताई जाएगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के अपडेट्स बेस शिक्षा से जुड़े हुए आपको मिलते रहें, तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा। और मित्रों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय से यह आदेश था 6 अप्रैल 2022 को। समस्त मंडली सहायक शिक्षा निदेशक, समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला व शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत कक्षा एक में संचालित गतिविधि कैलेंडर की समय सारिणी के संबंध में। महोदय, कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या 6077 दिनांक 31 मार्च 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्कूल रेडीनेस संबंधी 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर के प्रयोग हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। तत्क्रम अवगत होना चाहें कि पत्र में दी गई समय सारिणी का अवलोकन करें, जिसमें ग्रीष्मावकाश 16 मई से अंकित किया गया है, उक्त को 20 मई पढ़ा जाए, पत्र उक्त सीमा तक संशोधित माना जाए। बहुदी डॉक्टर पवन कुमार, यूनिट प्रभारी प्री प्राइमरी शिक्षा, समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव बेस शिक्षा उत्तर प्रदेश। ये साथियों था महानिदेशक कार्यालय से, जो उन्होंने अपने आदेश में संशोधन किया था। अब 20 मई इन्होंने कहा, लेकिन ये सचिव महोदय का आपको आदेश पर एक नज़र डालते हैं। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 में पढ़ाई के घंटे निम्नोक्त निर्धारित हैं। समय सारिणी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, ये पूर्व की भांति ही है। इस प्रकार से अब ये यहाँ पर अंडरलाइन दिया हुआ है, ग्रीष्मावकाश 20 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक होगा तथा शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक होंगे। यहाँ पर दिया हुआ है ग्रीष्मावकाश 20 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक होगा। प्रसिद्धि विद्यालयों 19 मई को पढ़ाकर 20 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियाँ रहेंगी, क्योंकि दिसंबर में ठंडियों की छुट्टी हुई थी। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक, मतलब 30 तारीख को पढ़ाकर छुट्टियां कर दी गई थी, इसलिए गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से शुरू होंगी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को केवल 19 मई तक ही स्कूल खोलना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए हुए आदेश का अवलोकन जरूर कर लें। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट थी। ये सस्पेंस मुझे